नमस्कार दोस्तों, छोटू मम्मी किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू चोखा। चलिए हम शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए हमने 8-10, ये मैंने आलू लिए हैं, ये पहले से बॉयल कर रखे हैं, और 2 प्याज, बड़े साइज के प्याज लिए हैं, इनको बारीक बारीक काट लेना, 6-7 कलियां लहसुन की, इसको बारीक काट लिया हमने, और थोड़ा राई दाना, और इसको चाहिए थोड़ा सरसों का तेल, थोड़ी अजवाइन और जीरा। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। देखना, अब हम इनको अपने हाथ से मैच कर लेते हैं ऐसे। उनको ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा रखना है, तभी टेस्ट आएगा। अब इसमें मैं डाल लेती हूँ अपनी ये कटी हुई बारीक प्याज, इसको भी अच्छे से मैच कर लेते हैं ऐसे। ये देखना अच्छे से हो गया। अब इसमें मैं डालती हूँ स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ा अजवाइन दाना, और इसको अच्छे से मैच कर लेती हूँ मैं ऐसे। पूरे आलू और प्याज में अच्छे से मैच कर लेना आप। ऐसे ये देखना हमारे आलू और प्याज सब मैच हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर डालती हूँ थोड़ा ये सरसों का कच्चा तेल। ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 2 ही बूंद, इतना ही, इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा बनता है। और इसको अच्छे से पूरे में मिक्स करना है ऐसे। ऐसे करके इसको ऐसे छोड़ दो। अब चलिए हम अपना तड़का तैयार करते हैं। चलिए अब हम अपना गैस ऑन करते हैं और हम लगाते हैं अपना तड़का। मैंने 1 चम्मच घी लिया है, देसी घी का तड़का लगाना है, तेल का नहीं लगाना। हमारा घी गर्म हो चुका है, इसमें मैं डालती हूँ ये राई दाना, और अब इसमें मैं डालती हूँ हमारा, देखना हमारी ये राई चटकने लगी है। अब इसमें मैं डालती हूँ जीरा, हमारा जीरा भी चटकने लग गया है। अब मैं इसमें डालती हूँ लहसुन, मैं डालती हूँ ये अपनी लाल मिर्च, देखिए हमारा तड़का बनकर तैयार हो गया है। अब हम अपने चौकी में लगा देते हैं इसको ऐसे।
देखिए अब हमारा ये आलू चोखा बनकर एकदम रेडी हो गया है। आप भी अपने घर में बनाइए और खाइए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।